फ्लिप किया है पिंक आई लुक, तो और मैं एक पिंक कलर का टेस्टल पिंक कलर का गाउन पहनी हूँ, इसके साथ ये आई मेकअप बहुत अच्छा जा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कि आई लुक मैंने कैसे किया। बस मैं पूरे फेस पे प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ अच्छे से। नेक्स्ट मैं एक ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर रही हूँ। ऑरेंज करेक्टर यूज़ करने से हमारे फेस पे जो भी ब्लैक स्पॉट है या फिर डार्क सर्कल है वो सब हाइड हो जाता है। तो मेरे फेस पे जहाँ जहाँ ब्लैक स्पॉट या डार्क सर्कल है वहाँ पे मैं ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर रही हूँ। हाथों की हेल्प से ही मैं यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर लेके अच्छे से ऑरेंज करेक्टर को ब्लेंड कर लूँगी। हो गया ब्लेंड अच्छे से। अब मैं ये फाउंडेशन एंड इल्यूमिनेटर को मिक्स करके फेस पे अप्लाई करूँगी। इससे फेस थोड़ा इल्यूमिनेट होगा, ग्लो करेगा। और मैं जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ उसका डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। तो मैं अच्छे से फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। हो गया। अब नेक्स्ट एक ब्यूटी ब्लेंडर लेके डैब डैब मोशन में अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी फाउंडेशन। और फाउंडेशन को पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लेना है और नेक पे भी। तो मैं यहाँ पे अच्छे से फाउंडेशन को ब्लेंड कर रही हूँ एंड नेक पे भी। अब कंसीलर यूज़ कर रही हूँ मैं। यहाँ पे मैं स्वीस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ अंडर आई पे एंड आई लिड पे, नोज पे, क्यूपिड एरिया, चिन एंड फोरहेड पे, मतलब हम लोगों के हाईलाइट एरिया एंड जहाँ जहाँ पे थोड़ा सा मेरा ब्लैक स्पॉट है। अब मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से कंसीलर को भी ब्लेंड कर लूँगी। तो मैं अच्छे से कंसीलर को ब्लेंड कर रही हूँ मैं यहाँ पे। हो गया। अब नेक्स्ट जहाँ जहाँ पे मैंने कंसीलर अप्लाई किया है वहाँ पे कंसीलर को सेट करने के लिए लूज पाउडर अप्लाई कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं लैक्मी का रोज पाउडर जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ एज अ लूज पाउडर। ये पाउडर भी बहुत अच्छा है बेकिंग के लिए, मतलब सेट होने के लिए मेकअप। आप लोग यूज़ करके देख सकते हैं। अब मैं आईब्रो को थोड़ा फिल इन कर लूँगी मीडियम एंड लाइट शेड लेके। अच्छे से मैं आईब्रो को फिल कर रही हूँ, बस मैं थोड़ा सा ही फिल इन करूँगी। अब आईब्रो फिल इन के बाद अच्छे से स्पूली लेके कॉम कर लूँगी आईब्रोज को। हो गया। अब मैं एक्सेस पाउडर को मैं पाउडर ब्रश की हेल्प से रिमूव कर लूँगी। अब आई मेकअप के लिए एक डार्क पिंक टोन शेड लेके मैं क्रीज पे सेट कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके कलर को अप्लाई करना है, एक बार में ज़्यादा अमाउंट नहीं लेना है, इससे क्या होगा हर्ष लाइन क्रिएट होगा। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं कलर को अप्लाई कर रही हूँ एंड ब्लेंड कर रही हूँ साथ में। अब एक आई ब्लेंडिंग ब्रश में लाइट पिंक शेड पिक करके डार्क पिंक शेड और लाइट पिंक शेड दोनों एक साथ मिला के उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना। तो मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि कोई हर्ष लाइन क्रिएट ना हो। हो गया ब्लेंड। अब आई के आउटर कॉर्नर पे मैं सेम जो डार्क पिंक शेड है वो मैं अप्लाई कर रही हूँ। अब सारा कलर को एक साथ अच्छे से ब्लेंड कर लेना है ताकि कोई हर्ष लाइन क्रिएट ना हो। अब ये शेड पीक करके मैं आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करूँगी और उसके साथ साथ उसको अच्छे से ब्लेंड भी कर लूँगी। हो गया। अब ये नेक्स्ट ये लाइट शेड पिक करूँगी और उसको हाफ ऑफ आई लिड पे अप्लाई कर दूँगी हाथों की हेल्प से। तो मैं अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ नाइट शेड, इस आई पे भी अप्लाई कर रही हूँ। हो गया अप्लाई। अब मैं काजल अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे, ज़्यादा थिक नहीं अप्लाई करूँगी, नॉर्मल सा एक काजल ड्रॉ करूँगी। दूसरे आई पे भी कर रही हूँ सेम। हो गया। अब आईलाइनर अप्लाई करूँगी, एक थिन सा लाइनर ड्रॉ करूँगी। अब नेक्स्ट डार्क पिंक शेड लेके मैं अच्छे से लोअर लैश लाइन पे उसको ब्लेंड एंड स्मज कर लूँगी। अब थोड़ा सा डीप पर्पल शेड लेके उसको जस्ट आउटर कॉर्नर पे अप्लाई एंड ब्लेंड कर रही हूँ। हो गया।
हो गया। अब मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ लोअर एंड अपर लैश लाइन पे, अच्छे से मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ मैं यहाँ पे। हो गया। अब नेक्स्ट कंटूर यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे, मैं शुगर का जो ब्रॉन्जर आता है वो मैं यूज़ कर रही हूँ, और मेरा शेड है उडी वंडर। अब मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ एप्पल ऑफ चिक्स पे, और मेरा शेड है वाटरमेलन रेड, इसे फर का ब्लश। तो मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ पिंक पिंक ग्लो के लिए। हो गया। अब नेक्स्ट मैं वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, और मेरा शेड है प्रेसियस पेटल्स। ये हाइलाइटर बहुत अच्छा है एंड कोई भी स्किन टोन पे बहुत ही परफेक्ट दिखता है। तो मैं हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ क्यूपिड एरिया, आईब्रो के ऊपर एंड थोड़ा सा नोज पे भी, और थोड़ा सा आईब्रो के नीचे मतलब ब्राउ बोन पे। अब मैं यहाँ पे एक पिंक कलर का लिप लाइनर लेके उसको ही एज अ लिपस्टिक अप्लाई करूँगी। तो मैं अप्लाई कर रही हूँ एज अ लिपस्टिक लिप लाइनर को। ये पिंक शेड मेरे आई मेकअप के साथ बहुत अच्छा दिखेगा, इसलिए मैं इसको अप्लाई करूँगी। तो हो गया मेरा मेकअप कंप्लीट। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन लव यू, टाटा, बाय बाय ऑल, टेक केयर।